हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गार्डनर में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किचन वेस्ट का यूज़ करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस बाल्टी के अंदर हमने जो पानी डाला था, उस पानी के अंदर हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके डाल दिए हैं और इसे डाले 2 दिन हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर बनाना पील, अनियन पील और केबेज और ये जो लौकी है, इन सब चीज़ें के छिलके भी डाल दिए थे। तो अब हमारा फर्टिलाइज़र ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैं इसे इसके अंदर बराबर मिक्स कर लेता हूँ। कई बार हमारे पौधों के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो अगर हम इस तरह की लिक्विड खाद पौधों को दें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप इस तरह की खाद दे सकते हैं। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं आपको इसको किस तरह से डाइल्यूट करके देते हैं वो बता देता हूँ। हमें 1 से 2 ग्लास जितना, ये 2 लीटर 3 लीटर पानी है, इसके अंदर हमें डाल देना है। एक लीटर के हिसाब से 1 ग्लास ये लिक्विड हमें डालना है। इस तरह से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पिल के साथ ही आप इसको अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे छान कर इस तरह से सिर्फ इसका पानी लिक्विड ही देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसे निकाल देता हूँ। ये लिक्विड मैंने डाइल्यूट कर लिया है। अब हमें सभी पौधों के अंदर आधा आधा ग्लास डाल देना है। छोटे गमले हैं उनके अंदर हम आधा ग्लास डालेंगे और बड़े गमलों के अंदर आप 1 ग्लास डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से किचन वेस्ट का यूज़ करके इस तरह से लिक्विड कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही सारे माइक्रोब्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप बाहर से ना लाना चाहें तो इस तरह से आप अपने घर पे ही किचन वेस्ट का यूज़ करके होममेड कंपोस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।